Assalamualaikum Playgroup class. Good morning everyone. How are you all? Hope you all are fine. Next, now come to the subject. Hamara pehla subject hai Urdu. Mazmoon hai hamara Urdu. Urdu copies. I will show you. You will take out this one Urdu copy, and you will take out the page mentioned with the date 13 July. Okay? आपने 13 July में पेज निकालना है, और इसमें हमें क्या करना है जी? आज का अनुमान क्या है? अलिफ ता पे की मशक करें. अलिफ ता पे की मशक करें. इधर देखें सब लोग. आपने अपनी कॉपीज पे अगर तो आपकी कॉपी स्कूल आई थी तो वो रेडी होगी. अगर नहीं है तो आपने क्या करना है, आपकी कॉपी की फर्स्ट लाइन पे आप लिखेंगे अलिफ ता बे मश. ठीक है? और फिर आपने क्या करना है, नीचे आपने राइटिंग स्टार्ट करनी है. देखते हैं कि रॉन्ग है तो आपने उसको नीटली राइट करना है. अब हम देखते हैं कि इसका होमवर्क क्या है. आपका होमवर्क भी सेम ही होगा. आपने नेक्स्ट पेज पर सेम 13 जुलाई राइट करके आपने लिखना है घर का काम, और आप फिर लिखेंगे अलिफ का बे मशक, और नीचे आपने सारा ये इसी तरह से कंप्लीट करना है अपना काम. चलते हैं आप बुक रीडिंग की तरफ. रीडिंग के लिए आप निकालें उर्दू की बोलती किताब, और हम करेंगे अलिफ का बे रिवीजन. ओके, मैं यहाँ आपको अलिफ का बे रिवीजन करवाऊंगी, और आपने अलिफ का से सारा रिवाइज करना है अपना कायदा. ओके, अलिफ हा, अलिफ हा अनानास, अलिफ बा अनार, अलिफ बा अमरूद, अलिफ बा अजान, अलिफ बा ऊंट, अलिफ बा अंजीर, अलिफ बा अंगूर. यहाँ पे देखें एक अंकल ऊंट वाला कार्ट लेके जा रहे हैं, और उसके अंदर अलिफ बा अनानास है, और यहाँ पे अलिफ बा अंगूर भी पड़े हैं और अलिफ बा अनार भी पड़े हैं. और तो और मस्जिद से अजान की आवाज आ रही है. अलिफ अलिफ से अजान, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर. अब देखिए अलिफ मदा आ, अलिफ मदा आ आ, अलिफ मदा आ आपा, अलिफ मदा आ आटा, अलिफ मदा आ आलू, अलिफ मदा आ आम, अलिफ मदा आ आड़ू, अलिफ मदा आ आलूचा. यहाँ पे अम्मी जो है वो अलिफ मदा आटा गूंथ रही हैं. उनके पास यहाँ एक थैले में अलिफ मदा आ आड़ू पड़े हैं, और एक
आलूचे पड़े हैं और यहाँ पर हंडिया के नीचे अलिफ वदा आ आग भी जल रही है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज। बेबा बेबा बांस, बेबा बादाम, बेबा बतख, बेबा बकरी, बेबा बाल्टी, बेबा बादल, बेबा बोरी, बेबा बिल्ली, बेबा बारिश। यहाँ पर देखें एक बच्चा बेबच्चा बैठा हुआ है और वो बेबा बादाम खा रहा है, ठीक है। उसके पास बेबा बिल्ली है और वहाँ पे बेबा बतख भी है और तो और वहाँ पे बेबा बाल्टी भी पड़ी है और बेबा बोरी भी है। बाहर बेबा बारिश हो रही है और बेबा बकरी बारिश में भीग रही है। अब आपने क्या करना है, पे ते ते और से वाला पेज खुद से रिवाइज करना है जो कि हम पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। We will read the next subject, that is Islamia. Till the next class, Allah Hafiz and take care of yourself.